हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टिकन इन्वेस्टमेंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं MI रिमोट अगर ठीक से वर्क नहीं कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, व्हाट टू डू इफ़ MI रिमोट ऐप इज़ नॉट वर्किंग। तो फ्रेंड्स, MI रिमोट काफ़ी सुविधाजनक ऐप है, उसके थ्रू आप टीवी और भी बहुत सारे इंफ्रारेड जो सपोर्ट करते हैं डिवाइस, उसको आप कनेक्ट और ऑपरेट कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। तो फ्रेंड्स, MI रिमोट सेटअप कैसे करेंगे और अगर वर्क नहीं कर रहा है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर टेकन इन्वेस्टमेंट चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और चलिए चलते हैं MI रिमोट ऐप के तरफ। सभी Xiaomi या MI फ़ोन में इंफ्रारेड सपोर्ट करता है, इसलिए वहाँ पे MI रिमोट आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए मोबाइल के ऐप में और देखते हैं कि अगर MI रिमोट आपका ठीक से वर्क नहीं कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये MI रिमोट है। यहाँ पर आप काफ़ी सारे फंक्शन यहाँ पे होते हैं, आप MI TV, MI बॉक्स TV और सेट टॉप बॉक्स और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप ऑपरेट कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, AC, फैन, स्मार्ट बॉक्स, AV रिसीवर, DVD प्लेयर, प्रोजेक्टर, कैमरा। तो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि अगर ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं। आपको मोबाइल के सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको ऐप सर्च कर देना है। ऐप सर्च करने के बाद फ्रेंड्स, आपको ऐप पे क्लिक करना है। मैनेज ऐप पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप सर्च कर दीजिए MI रिमोट। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये MI रिमोट आ गया। अब यहाँ पे करना क्या है, आपको स्लाइड डाउन करना है। यहाँ पे क्लियर डाटा है, क्लियर डाटा कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे स्टोरेज में जाके क्लियर केस भी कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको आ जाना है प्ले स्टोर में। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको प्ले स्टोर में आ जाना है और यहाँ पे MI रिमोट सर्च करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम MI रिमोट सर्च कर दिए, ये आ गया। यहाँ पे आप तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अपडेट का ऑप्शन आएगा, अपडेट कर लीजिएगा। और यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे प्लस आइकन पे आप क्लिक करिएगा। MI TV कनेक्ट करना है तो MI TV कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ और अगर कनेक्ट करना है तो आप कुछ और भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए फ़ैन ही है। यहाँ पे आपको जितने भी आपको कंपनी है वो सब नाम आ जाएगा। मान लीजिए दूसरी टीवी का आपको रिमोट चलाना है तो यहाँ पे टीवी पे क्लिक करिए। सोनी, फिलिप्स, LG, शार्प, सैमसंग, वीडियोकॉन, पैनासोनिक, ओनिडा, देख रहे हैं काफ़ी सारे इसमें कंपनी है। किसी पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप आपको प्रेस करना है ऑन या ऑफ। तो यहाँ पे आप प्रेस करना है बटन। अगर ऑन हो रहा है यहाँ पे यस कर दीजिए, ऑफ हो रहा है अगर बटन काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पे नो कर दीजिए, फिर यहाँ पे प्रेस करिए और ऐसे ही कोई एक बटन काम करेगा और पेयर हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स, MI रिमोट वर्क करता है। काफ़ी कन्वीनियंट ऐप है, आप इसको यूज़ करना चाहिए। अगर Xiaomi फ़ोन या कोई भी इंफ्रारेड इनेबल मोबाइल आप यूज़ करते हैं तो आप इसको यूज़ करिए, काफ़ी कन्वीनियंट ऐप है। आप देख पा रहे हैं TV, सेट टॉप बॉक्स, AC, फैन, स्मार्ट बॉक्स, प्रोजेक्टर, DVD प्लेयर, काफ़ी सारे इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। आई थिंक फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ टेकन इन्वेस्टमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए बाय।